कोरिया जिले के बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तलवापारा गेज नदी तट पर फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट पर रोक नहीं लग पा रही है। यहां एक बार फिर निजी अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट कचरा फेंका गया है। अस्पताल का कचरा मेडिकल वेस्ट नदी तट से उड़कर पानी तक पहुंच रहा है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। जिस गेज नदी के पानी को नगर पालिका बैकुंठपुर के द्वारा फिल्टर कर पूरे शहर में पीने के इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाता है, उसमें मेडिकल वेस्ट को फेंका जा रहा है। बता दें कि गेज नदी तट के स्थानीय लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत तलवापारा में गेज नदी तट को नगर पालिका प्रशासन बैकुंठपुर ने कचरा डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है, जबकि नियमानुसार कचरा SLRM सेंटर में ले जाना होता है। नदी तट पर कचरा फेंकने से जहां गंदगी के साथ बदबू फैल रही है, कचरों के ढेर में नगर पालिका के गोठान में रहने वाले गायों का झुंड भी प्लास्टिक खा रहे हैं, जिससे गायों के बीमार होने का भी खतरा बना हुआ है। 14 मार्च को इस तरह की जानकारी मिली थी, उसके बाद नगर पालिका के द्वारा उनसे संपर्क करके उन्हीं के द्वारा ये कचरा उठाया जा रहा है, और उनको बताया भी गया था कि इस तरह से खुले में कचरा नहीं फेंकना है। हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय ने भी उनको बताया था कि जैसे ही कचरा जाता है उसको तत्काल उसको ज़मीन में गाड़ना, खुले में नहीं फेंकना है। अभी जानकारी आपके द्वारा मुझे मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी उनसे टाई अप हुआ है नगर पालिका वालों से, उसका विधिवत हम लोग देयक रहता है, उसका भुगतान करते हैं। अब ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है कि उसको किस तरह उसको वेस्ट को डंप किया जाए, उनको करना चाहिए। हमें जानकारी मुझे मिली, मैं और देखता हूँ क्या है इसमें, किस तरह की क्या करना पड़ेगा। ये नुकसानदायक तो है जो भी बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि उसमें नहीं जाना चाहिए, गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं जिला अस्पताल में CS को कोई नोटिस देता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। हालांकि जनरल कचरा अलग रखना है, बायोमेडिकल वेस्ट की हमारे पास अलग व्यवस्था है, उसको नगर पालिका के कचरे में नहीं मिलाकर देना है।